अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सस्रियाकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है सादिक सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी कार कैंपिंग इन गुरेज वैली, बेस्ट ऑफ बीट लोकेशन इन कश्मीर। ये हमारे प्यारे दोस्तों की वीडियो है, एक्सप्लोर कश्मीर की वीडियो। बहुत जबरदस्त वीडियो बनाते हैं, आइए मिलकर देखते हैं जबरदस्त वीडियो और मिलकर करते हैं इसको एंजॉय। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। वैसे तो कश्मीर का कोना कोना ही बेहद खूबसूरत है, लेकिन आज जिस जगह पे हम आपको ले जाने वाले हैं उसका शुमार दुनिया की टॉप मोस्ट ऑफबीट लोकेशंस में किया जाता है। आखिर क्या खास है इस वैली में जो ये लोगों को अपनी तरफ खींचती है, आज इस सीरीज में आपको पूरा पता चल जाने वाला है। माशाल्लाह क्या बात है भाई, ऐसे खूबसूरत नज़ारे तो आपको तुलेल वैली में ही देखने को मिले। ऐसा लग रहा है जैसे यूरोप का कोई ब्रिज देख रहे हो। ये देखो कितना खूबसूरत ब्रिज है। तो ये रहा चश्मा। तो फाइनली अभी हम लास्ट विलेज में पहुंच गए हैं, और ये है तारबल का पोस्ट ऑफिस, शेखपुरा का गांव है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज से देख रहे हो वहां भी फॉलो जरूर करें। हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कश्मीर की सबसे फेमस ऑर्बिट लोकेशन को, जो क्या है गुरेज वैली, जो यहाँ से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी 6:30 हुआ है सुबह का टाइम, तो अभी हम निकलते हैं। और आप में से जो भी गुरेज वैली जाना चाहता है, ये व्लॉग उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए एंड तक जरूर देखें। हमारे साथ दो और बंदे जुड़ने वाले हैं, वो आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। लेकिन जब भी आप गुरेज ट्रैवल करो, सबसे पहले आई कार्ड आप जरूरी कैरी करें, तो वो चेक पोस्ट पे आपको दिखाने पड़ते हैं। अभी हमने सारा सामान जो है वो गाड़ी में डाल दिया है, थोड़ा लेट हुआ तो बस अभी हम निकल रहे हैं। क्या बात है, चलो सलाम तो करो पहले। सलाम चलो। आज सामान थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए एडजस्ट करने में टाइम लग गया। बस अभी 7 बजने को है और अब हम निकल रहे हैं घर से। जो सामान है वो पीछे सारा एडजस्ट करना पड़ा डिक्की में, और थोड़ा ऊपर चढ़ाया, और हमने कंटेनर एक दो ना वो कम करने पड़े, बैग्स में भरना पड़ा सामान, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। हाँ वो तो करना ही पड़ता है, जब बंदे ज़्यादा हो तो फिर ये सब चीज़ें चल जाती है। तो पहला बंदा ये रहा हमारे सामने, इसको तो आप जानते ही होंगे। आज हम तकरीबन 1 साल के बाद ट्रिप पे निकले हैं एक साथ, सादत भाई, हम दो तो होते हैं, सादत भाई और दानिश। बाहर गया था पढ़ने के लिए। दानिश भाई जो है बोरिया बिस्तरा लेकर आए, इनको पता है यहाँ बिस्तर की कमी है। देखो आज बहुत टाइम के बाद आपको दानिश भाई नजर आ रहे हैं। अभी हम रुके हैं फ्यूल रिफिल कराने के लिए, कि लेकिन मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, हल्की बारिश शुरू हो गई है ऑलरेडी। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। निकालने के बाद हम पहुंचे हैं बुल्लर विंटेज पार्क में, और हमने सोचा यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, फिर हम निकल जाएंगे आगे के लिए। चलो 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 चलो। एशिया की दूसरे सबसे लार्जेस्ट लेक मानी जाती है बुल्लर, काफी खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ से देखने को मिलता है बुल्लर का, खासकर सनसेट के टाइम आपको काफी जबरदस्त नज़ारा देखने को मिलता है। ये देखो आप विंटेज पार्क भी काफी खूबसूरत है। अभी आगे जाते हैं। पहले हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ पे चाय पियेंगे, लेकिन फिर दानिश ने कहा कि नहीं, हम राजदान टॉप के पहले थोड़ा, वहाँ पे एक अच्छी लोकेशन है, उसने बोला वहाँ पे ही चाय पियेंगे।
फिर दानिश भाई ने बोला हम चाय नहीं पियेंगे, हम पहले जहर पियेंगे उसके बाद चाय पियेंगे। अभी हम आ गए हैं आई लव वुलर के सेल्फी पॉइंट के पास। ये देखो क्या खूबसूरत है। हम अभी पहुंच चुके हैं बांडीपुरा, और बांडीपुरा आपको पता ही है किन तीन चीजों के लिए जाना जाता है, अलिम अदब और आब। हम अभी पहुंच चुके हैं त्रकबुल चेक पॉइंट पे। यहाँ पे दानिश गया है कार्ड लेके, यहाँ पे पहले एंट्री होती है उसके बाद ही आगे हमें जाने को मिलता है। अभी देखते हैं, यहाँ पे 10 मिनट हो गए ऑलरेडी। वहाँ से मिला कुछ क्या? स्लिप मिली है वहाँ से? ये स्लिप मिली वापस, ये आगे दिखानी है। चलो ठीक है, से हम आगे निकल चुके हैं और हम रुके हैं चाय पीने के लिए। यहाँ पे देखो नज़ारे, ये देखो किस जगह पर हम रुके हैं चाय पीने, माशाल्लाह। हम अभी पहुंच चुके हैं राजदान टॉप पर, और यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं नजारा अभी का। ये देखो आप, यहाँ पे हम रुके हुए हैं, हमने सोचा कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे लें और कुछ रील्स, तो बस यहाँ का नज़ारा एंजॉय करके हम आगे की तरफ निकल जाएंगे। हम राजदान टॉप से नीचे उतर चुके हैं। ये देखो रोड की हालत जो है वैसी की वैसी है, थोड़ा बहुत ठीक किया हुआ है लेकिन ज़्यादातर ख़राब ही आपको यहाँ से रोड देखने को मिलता है, जिस वजह से ज़्यादा टाइम लगता है। ऑलमोस्ट 5-6 घंटे आपको लग जाते हैं श्रीनगर से गुरेज पहुंचने में। अभी हमें 4 घंटे तो लग ही चुके हैं 8 बजे अगर हम मानो श्रीनगर से निकले, क्योंकि हमें 8 बजे तक दोस्तों को पिक करना पड़ा, तो फिर 8 बजे से 12 अभी बज चुके हैं, 12:20। अभी हम पहुंच चुके हैं कंजलवान जो कि है दूसरा चेक पोस्ट। तो अभी हम कंजलवान से निकल रहे हैं, यहाँ पे भी आपको एक स्लिप मिलती है जो आपको वापसी में यहाँ पे वापस सबमिट करनी पड़ती है निकलने के टाइम। हाँ है, दो स्लिप्स हमारी जमा हो गई, ये आप रखो, तीन है। सारे चेक पोस्ट को क्रॉस करके हम पहुंच चुके हैं इस नज़ारे के पास। ये देखो, इसी वजह से हमने गुरेज का ट्रिप जो है वो डिले किया था, क्योंकि पानी जो है काफ़ी थोड़ा मड़ी था, ख़राब था, लेकिन आज देखो आप क्रिस्टल क्लियर पानी नज़र आ रहा है। अब आज जो है मज़ा आने वाला है कंटेंट बनाने में। तो फाइनली हम गुरेज की कैंपिंग साइट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टेंट्स देखने को मिलते हैं, चाहे आप 2 बंदूक का टेंट लो, चाहे 4 बंदूक का टेंट लो, चाहे फैमिली के साथ आओ। ये एक बहुत ही परफेक्ट लोकेशन है जहाँ पे आप गुरेज में आकर कैंपिंग कर सकते हो। बाकी रेट्स और बाकी सब चीज़ें वो हम आपको बाद में बता देंगे, लेकिन हम यहाँ पे कैंपिंग नहीं करने वाले हैं। हम पहले सब्ज़ी लाएंगे मार्केट से, उसके बाद हम पीक वाली साइड देखेंगे, हबा खातून पीक के साइड से वहाँ से ही हम कैंपिंग करेंगे। ये देखो नज़ारा अभी का। अभी हम आए हुए हैं दावर मार्केट में, और यहाँ पे हम सब्जियाँ लेने वाले हैं, क्योंकि हमें कुछ भी सब्ज़ी साथ नहीं है जो हमें डिनर के लिए पकानी है। तो अब पहले हम यहाँ से सब्ज़ियाँ लाते हैं, उसके बाद अच्छी कैंपिंग लोकेशन पे अपना हम टेंट लगाते हैं। ये देखो, ये मार्केट हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कल, मुझे लगता है आज तो फिलहाल अभी हम थके हुए हैं। राजमा और किलो था लोकल राजमा यहाँ की, तो यहाँ से हम लोकल जो गुरेज की राजमा है वो भी लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी मानी जाती है टेस्ट के लिए। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे ट्राई करके कैसी होगी। तो फाइनली अभी हम यहाँ पे कैंपिंग करने वाले हैं, लेकिन हालत देखो आप इस एरिया की क्या की है लोगों ने, यहाँ पे कैंपिंग की हुई है और फिर जो ये कचरा है यहाँ से ये उठाया नहीं है। ये देखो आप, पहले ये अभी हम आए यहाँ, ये देखो आप कचरा कितना फैलाया है। अगर कैंपिंग लोग अगर आप कैंपिंग करते हो तो ये कचरा उठाना ज़रूरी होता है, फिर डस्टबिन में आप फेंको, यहाँ से उठा फिर डस्टबिन में फेंको। देखो कचरा कितना यहाँ पे फेंका हुआ है, हर एक साइड से। इससे सारा व्यू जो है वो ख़राब हो गया है। तो अभी सबसे पहले हम काम करते हैं, हम पहले टेंट लगाते हैं, सारा सेटअप यहाँ पे जमाते हैं, उसके बाद हम करते हैं तैयारी लंच की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। क्यों क्या काम आपको नहीं लगी भूख?
दानिश को काफी ज्यादा भूख लगती है, ये इसको गुस्सा देखो आप, इसको कितना गुस्सा है अभी। किचन सेटअप करने से पहले मुझे लगता है हम थोड़ी बहुत यहाँ पे सफाई करेंगे, कि काफ़ी कचरा जमा है जैसे मैंने पहले ही बोला। तो ये जचता नहीं है, ये वैसे भी जो यहाँ पे आता है उसका काम होता है, जिम्मेदारी होती है कि ये कचरा साफ़ करे, लेकिन करता नहीं है। जचता नहीं, हम ये पहले साफ करेंगे। हाँ हाँ चलो। अभी एक चुटकी में हम करते हैं किचन सेटअप। ये रहा पूरा सेटअप तैयार है, आज थोड़ा अपडेट किया है हमने, ये देखो। और अभी यहाँ पे हिलाल भाई यहाँ पे मीट कट करने में लगे हुए हैं, जो अभी लंच में हमें तैयार करना है। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था कश्मीर का, और कश्मीर क्या है, एक जन्नत है, और जन्नत की मिसाल कोई नहीं दी जा सकती, जितनी मर्जी बातें कर लें, जितना मर्जी कह लें, लेकिन जो खूबसूरती यहाँ पे, जो चश्मे, जो हरियाली, जो एक वो वेदर की ही एक ऐसी खुशबू है वहाँ पे कि क्या ही बताएं। कश्मीर कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है, और भी हैं दुनिया में, लेकिन कश्मीर जो है अलग ही बात है, नजीर है जी, उसकी नजीर नहीं मिलती कहीं पे भी। ये आप ये समझ लें कि कश्मीर को अगर लेके आप समझ लें जिस तरह, लेकिन हमें इससे ज़्यादा खूबसूरती कहीं पर नज़र नहीं आई, क्योंकि जो यहाँ का वेदर है, यहाँ पे बर्फबारी भी है, यहाँ पे हर तरह का वेदर मिल जाता है, गर्मी में थोड़ी सा मिल जाती है, लेकिन ये है कि जो दरिया और जो चश्मे वहाँ पे, जो मेडोज यहाँ पे नजर आते हैं, वो और जगहों पर ऐसी सारी चीजें नजर नहीं आती। एक ही जगह पे इतना सारा कुछ जो समो दिया गया है वो कश्मीरी है। और उसके साथ साथ एक मजेदार बात ये भी है कि डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा नजर आती है, यहाँ पे मार्केट्स हैं, यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है जो कि चाहिए होती है किसी भी टूरिस्ट को। अब देखिए ये गुरेज वैली, अब श्रीनगर कह लें कि बहुत ज़्यादा सिटी वाला एरिया है, लेकिन गुरेज में भी देखा है हमने कि मार्केट्स बनी हुई हैं, ये वो रास्ते में भी देखा कि बहुत ज़्यादा बाजार थे, तो उसका मतलब यही है कि हर चीज़ वहाँ पे पहुँच पे अवेलेबल है। और अगर देखें तो हर जगह वहाँ की यह खूबसूरती अलग ही नज़ारा देती है, वहाँ का जो दरिया है, दरिया अगर दूर से नज़र आ रहा है तो अलग है, अगर वो करीब आ जाता है, नीचे उसका बहाव आ जाता है, तो उसकी एक अलग ही खूबसूरती है। बिल्कुल, और बेहतरीन खूबसूरती है, बेहतरीन लोकेशन है। और ये जो हमारे भाई हैं, जिस तरीके से वो कैप्चर करते हैं, जिस तरीके से वो सीन जो दिखाते हैं, बिल्कुल आज की वीडियो में थोड़ी आवाज का प्रॉब्लम हमें मिला, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी हमें कहेंगे कि आवाज का बहुत ज्यादा मसला नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हो जाता है वीडियोस में एडिटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, माइक की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सारे मसले भी चलते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल वीडियो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल, और दोस्तों के साथ इस दफा वो जो है ना वो कैंपिंग में आए, तो कैंपिंग अभी उन्होंने स्टार्ट की थी, वहाँ पर उन्होंने वीडियो एंड कर दी, तो वो अगले पार्ट में लेकर आएंगे। तो बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं, बेहतरीन तरीके से जो कश्मीर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये इनकी बहुत ज़बरदस्त कावश है, इनके जरिए से हम भी कश्मीर का जो समझ लें कि चप्पा चप्पा देखने का हमें भी मौका मिल रहा है, और इतनी खूबसूरत जगह और उसको वो एक्सप्लोर करते हैं, इसके लिए भाई उनको भी लाइक और शेयर बनता है। जी जी बिल्कुल, आप देखिए उनकी वीडियोस, उनके चैनल पे जाइए, बहुत ज़्यादा और मज़ेदार किस्म की वीडियोस है, आपकी सपोर्ट ही की वजह से हम इतना बेहतर काम कर पाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया। तो चलिए एक और नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।